नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कोटिल स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसमें आज का जो टॉपिक हमारा वो रहेगा आधुनिक चीन। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अपनी तैयारी को जांचने परखने का मौका मिलेगा और कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी जिससे आपको निश्चित रूप से हेल्प होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट वन आपकी दी गई है कि सन यात सेन चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति तथा जन्मदाता थे। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये जो प्रथम राष्ट्रपति ये बनते हैं 1912 में। स्टेटमेंट टू दी गई कि उन्होंने 1905 में थुंग मेंग हुई नामक गुप्त दल का संगठन किया था और इसका जो दूसरा नाम था वो था तुंग मिंग हुई। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने 1905 में जो ये गुप्त संगठन है थुंग मिंग हुई या तुंग मिंग हुई की स्थापना की थी। स्टेटमेंट थ्री दी गई है, सन यात सेन के प्रयासों से चीन में 1911 ईस्वी में राज्य क्रांति संपन्न हुई। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट फोर दी गई है कि 1911 में हुई चीनी क्रांति के समय सन यात सेन अमेरिका में थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो क्रांति होती है वो होती है 9 अगस्त 1911 को, और उस टाइम पे सन यात सेन कहाँ पे थे? अमेरिका में। और ये जो अमेरिका से चीन आते हैं अमेरिका से चीन वापस लौटते हैं 24 दिसंबर 1911 को। तो आपकी चारों की चारों कथन है वो सही है, यानी ऑप्शन थर्ड है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो जो चीनी क्रांति है उसकी शुरुआत हाकोवुचांग से होती है, और हाकोवुचांग में जो तत्कालीन कारण बनता है वो हाको बम्ब हांको बम ब्लास्ट। और जो हांको में बम ब्लास्ट होता है वो होता है 10 अक्टूबर 1911 को, जिसको डबल टेन की घटना भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, 1911 ईस्वी की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासन था? तो 1911 की क्रांति के समय चीन पर मंचू राजवंश या चिंग राजवंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर फोर, अफीम युद्ध के पहले चीन था, तो अफीम युद्ध से पहले जो चीन है वो एक बंद अर्थव्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर फाइव, अफीम युद्ध के बाद चीन में हुआ था, तो चीन में अफीम युद्ध के बाद है वो ताइपिंग विद्रोह होता है। वो ताइपिंग विद्रोह कब से कब तक होता है? 1850 से लेकर 1864 तक ये चलता है। और अगर हम बात करें अफीम युद्ध की, तो अफीम युद्ध होता है चीन और ब्रिटेन के बीच। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और कितने अफीम युद्ध होते हैं? दो अफीम युद्ध होते हैं। जो प्रथम अफीम युद्ध है, प्रथम अफीम युद्ध होता है 1839 से 1842 तक, और जो सेकंड है वो होता है 1856 से 60 के बीच। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वुंग सू चुआन के नेतृत्व में हुआ ताइपिंग विद्रोह मूलतः किस प्रकार का विद्रोह था? जो ताइपिंग विद्रोह था वो मूलतः किसान विद्रोह था, और हुंग सू चुआन या इसका दूसरा नाम है हुंग स्यू चुआन, इसके नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए।
स्टेटमेंट आपके वन दी गई कि ताइपिंग विद्रोह चीन तथा इंग्लैंड के मध्य 1850 से 1864 के दौरान हुआ था, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ताइपिंग विद्रोह का प्रारंभ सेजवान प्रांत से हुआ था, तो ये सेजवान प्रांत से आरंभ नहीं हुआ था, ये हुआ था दक्षिणी जो प्रांत है ग्वांगसी से। ग्वांगसी से शुरू हुआ था, तो स्टेटमेंट टू है वो आपकी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट थर्ड, ताइपिंग विद्रोह का लक्ष्य मांचू राजवंश का खात्मा कर चीन की जो प्राचीन प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करना था, ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट आपकी वन और थ्री जो है वो राइट हो जाएगी, यानी सेकेंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। जो स्टेटमेंट वन आपकी दी गई 1937 में चीन जापान युद्ध हुआ जिसमें चीन हार गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट टू, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नॉनकिंग पर जापान का अधिकार हो गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस युद्ध के पश्चात जापान ने चीन में कठपुतली सरकार स्थापित की, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट फोर, इस युद्ध के पश्चात चीन स्पष्ट दो भागों में विभक्त हो गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 सारी स्टेटमेंट आपकी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्विंग ने ताइपिंग विद्रोह को कब कुचल दिया? तो ताइपिंग विद्रोह को कुचल दिया गया 19 जुलाई 1864 को, और इसमें जो विदेशी हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, इन देशों ने जो क्विंग राजवंश था उसका साथ दिया, और सबने मिलकर 19 जुलाई 1864 को ताइपिंग विद्रोह को दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, माओत्से के महाप्रस्थान को मृत्यु प्रस्थान नाम किसने दिया? तो महाप्रस्थान को जो मृत्यु प्रस्थान का नाम दिया था वो दिया था चियांग काई शेक ने। वो जो माओत्से है जो इसका महाप्रस्थान है, इसको लॉन्ग मार्च बोला जाता है, और ये 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 लगभग 368 दिन तक ये लॉन्ग मार्च चलता है, और इसमें टोटल 6000 मील की दूरी तय की जाती है, और ये शुरू होता है आपका जियांगसी या कियांगसी, और वहां से लेकर सेंसी तक, ये जो सेंसी प्रांत है वहां तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1900 में चीन ने अपने इतिहास के सबसे बुरे विद्रोह में से एक को देखा था, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बॉक्सर विद्रोह, और बॉक्सर विद्रोह कब होता है? 1899 से 1901 तक। क्वेश्चन नंबर 12, कोमिंतांग का अर्थ है? तो कोमिंतांग या कुओमिंतांग, तो कोमिंतांग या कोमिंतांग का अर्थ है देश की जनता का दल, और ये तीन शब्दों कुओ मिन और तांग, इन तीन शब्दों से मिलकर बना, जिसका अलग अलग अर्थ है। कुओ का मतलब होता है देश, मिन का मतलब होता है जनता, और तांग का मतलब होता है दल, यानी देश की जनता का दल। और कोमिंतांग जो है इसको बनाते हैं सन यात-सेन, और सन यात-सेन के जो तीन सिद्धांत हैं तीन सिद्धांत दिए थे सन यात-सेन ने, उन तीन सिद्धांतों को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सान मिन चू। और तीन सिद्धांत कौन कौन से थे? वो थे राष्ट्रवाद, लोकतंत्र
और थर्ड था समाजवाद, ये तीन सिद्धांत दिए थे जिनको सानमिनचू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये की गई थी 1921 में और स्थापना की थी माओत्से ने। तो माओत्से ने स्थापना की थी, इसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका दूसरा नाम है वो है कुग चांगतांग, कुग चांग तांग। क्वेश्चन नंबर 14, कोमिंग तांग दल की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की थी सन यात्सेन ने। क्वेश्चन नंबर 15, कोमिंग तांग ने चीन में अपना स्थान खो दिया, यानी ये लोकप्रिय नहीं रहा, क्योंकि चियांग काई शेक का अपहरण हो जाता है, तो ये कोई कारण नहीं है। जापान द्वारा चीन के प्रांतों का अधिग्रहण, ये भी कोई कारण नहीं है। अमेरिका तथा जापान के मध्य युद्ध, ये भी कोई कारण इसके अलोकप्रिय होने का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, चियांग काई शेक की सरकार भ्रष्टाचार की वजह से अलोकप्रिय हो गई, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसमें एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जो कोमिंग तांग है, ये 1925 तक इसके अध्यक्ष सन यात्सेन रहेंगे, और 25 में इसकी मृत्यु के बाद जो कोमिंग तांग है, इसकी बागडोर है, वो चियांग काई शेक के हाथ में आ जाएगी। के बाद क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से तीन सिद्धांत सन यात्सेन ने जनता के समक्ष रखे थे, तो अभी हमने पीछे से क्वेश्चन में बात की थी, ये तीन सिद्धांत थे राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र तथा समाजवाद, और इन तीनों को क्या बोला जाता है, शान मिन चू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के पतन का कारण नहीं था, तो किसानों का विद्रोह ये कारण था, सैनिकों का विद्रोह ये भी था, विद्यार्थियों के आंदोलन ये भी थे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है कि साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा, ये मांचू वंश के पतन का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, किस रूसी प्रतिनिधि की सहायता से कोमिंग तांग या कोमिंग तांग दल का पुनर्गठन रूसी साम्यवादी दल के आदेश पर किया गया, तो ये किया गया था बोरोडीन, और बोरोडीन का पूरा नाम क्या था, माइकल बोरोडीन। वो जो माइकल बोरोडीन है, इसको जो एडोल्फ जोफे है, एडोल्फ जोफे जो है वो रूसी राजदूत है, इसकी सहायता से जो है वो बोरोडीन को चीन में आमंत्रित किया जाता है, और बोरोडीन की सहायता से जो कोमिंग तांग दल है उसका पुनर्गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद चीन में द्वितीय अफीम युद्ध का अंत हुआ था, तो द्वितीय अफीम युद्ध का अंत होता है टिंटसिन की संधि के बाद, और टिंटसिन की संधि होती है आपकी 29 मई 1858 को। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए आपकी नानकिंग की संधि, ये जो फर्स्ट अफीम युद्ध है उससे संबंधित है, और ये आपकी होती है 29 अगस्त 1842 को। पिकिंग की संधि ये 1860 में होगी, और कैंटन क्या था, एक बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम चीन जापान युद्ध जो होता है 1894 से 1895, उसका एक परिणाम था, तो क्या परिणाम थे देखते हैं। ऑप्शन 1 दिया गया कि हुनान में जापान द्वारा स्थापित की गई अवैध रेलवे लाइन का परिणाम। सेकंड ऑप्शन दिया गया मंचूरिया में संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये हुआ नहीं। थर्ड है जो कोरिया के नियंत्रण के लिए चीन तथा जापान के मध्य संघर्ष होता है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
कोरिया और मंचूरिया के नियंत्रण के लिए चीन तथा जापान के मध्य संघर्ष, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी राइट आंसर जो है वो है थर्ड आपका, ये जो कोरिया के नियंत्रण के लिए ये युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चीन द्वारा की गई संधियों तथा उनके वर्ष से संबंधित निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। आपके एक साइड संधि दी गई, दूसरी साइड उस संधि का वर्ष दिया गया है। शिमोनोस्की की संधि ये होती है आपके 1895 में, और जो शिमोनोस्की की संधि है वो चीन जापान युद्ध से संबंधित है, जो चीन जापान युद्ध समाप्त होता है 1894-95 में जो युद्ध होता है वो शिमोनोस्की की संधि के द्वारा उसका अंत होता है। नानकिन की संधि ये होती है 1842 में, जो प्रथम अफीम युद्ध से रिलेटेड है, और पीकिंग की संधि ये 1860 में, और टिंटसिन की संधि या तिंतसिन की संधि ये होती है 1858 में, जो सेकेंड अफीम युद्ध से संबंधित है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1911 की चीन की जो क्रांति है उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो हमने पीछे भी बात करी कि 1911 की जो क्रांति है उसका जो तात्कालिक कारण था वो हाको या हांको जो बम कांड था वो था, और ये होता है 10 अक्टूबर 1911 को, जिसको बोला जाता है डबल टेन की घटना। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जो 10 अक्टूबर है इसी 10 अक्टूबर के दिन चीन का जो राष्ट्रीय दिवस है वो भी मनाया जाता है। चीन का राष्ट्रीय दिवस भी हर वर्ष 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, युआन शिकाई ने किस दल का गठन किया था? तो युआन शिकाई ने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, और युआन शिकाई जो है वो राष्ट्रपति रहते हैं 1915 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 24, साम्यवादियों के दमन के लिए नीली कुर्ती नामक सशस्त्र दल का गठन किया गया था, तो इस दल का गठन किया था चियांग काई शेक ने, और जो माओ त्से तुंग है इसने जो बनाया था वो था लाल कुर्ती सेना। और नीली कुर्ती बनाता है चियांग काई शेक इन्हीं साम्यवादियों के दमन के लिए, और जो चियांग काई शेक है वो 1928 से 1949 तक पद पर रहता है। 1949 में चीनी क्रांति जो 1949 में होती है उसके बाद वो ताइवान भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा यह मानना था, ये किसका मानना था? लियांग किचाऊ का। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष साम्यवादी सेना को चीन की राष्ट्रीय सेना में आठवीं सेना के रूप में या आठवीं सेना का नाम देकर शामिल किया गया? तो यह शामिल किया जाता है 10 फरवरी 1937 को, और 10 फरवरी 1937 को ही कोमिंतांग और जो साम्यवादी दल है कुंग चांग टांग, जो साम्यवादी दल था कुंग चांग टांग और कोमिंग टांग, इनके बीच में समझौता हो जाता है, यानी कोमिंग टांग चियांग काई शेक और कुंग चांग टांग माओ त्से तुंग के दल का नाम है, और इन दोनों दलों के बीच में 10 फरवरी 1937 को समझौता हो जाता है, और जो साम्यवादी सेना थी उसको आठवीं सेना का नाम देकर राष्ट्रीय सेना में शामिल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, चीन में गृह युद्ध किस अवधि में हुआ था? तो चीन में जो गृह युद्ध होता है 1926 से 1949 तक, और गृह युद्ध में चियांग काई शेक और माओ त्से तुंग इन दोनों के दलों के बीच में संघर्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोमिंतांग का गठन 1912 में, ये बिल्कुल ठीक है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में, यानी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में माओ से तुंग करेंगे, ये भी ठीक है। 4 मई का आंदोलन 1919 में, ये भी बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक क्रांति 1965 में, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति जो है वो होती है 1966 से 76 तक। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक चीन की शुरुआत पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, और यह समय था 16वीं-17वीं शताब्दी, यानी सेकंड ऑप्शन वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 के बीच में होता है, उस समय किस राजवंश का शासन था? तो ये राजवंश था क्विंग राजवंश, या जिसको बोला जाता है चिंग राजवंश। वो जो ये लोग थे, ये खुद को मंचू या मांचू कहलवाना पसंद करते थे। और अगर हम बात करें चाइना पे जो राजवंश आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है मिंग राजवंश। मिंग राजवंश के बाद आएगा आपका किंग राजवंश, किंग क्विंग या चिंग, ये एक ही राजवंश के नाम है, या जिसको मंचू राजवंश भी बोल सकते हैं। और ये राजवंश रहेगा 1644 से लेकर 1911 तक, और 1911 में उसके बाद क्या हो जाएगा, चीन है वो गणराज्य बन जाएगा, चीन गणराज्य। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिए। और अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।